भारत वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च होने वाली लागत कर्ज की एक बड़ी वजह है। गरीब वर्ग के लोगों को दवाई खरीदना काफी खर्चीला पड़ता है। अभी भी 60% लोग दवाइयां नहीं खरीद पाते और तकरीबन 40% लोग ही जरूरी दवाइयां खरीद पाते हैं। हालांकि भारत वर्ष ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, इसके बावजूद करोड़ों लोग उत्तम गुणवत्ता की दवाइयों से वंचित हैं। ज्यादातर मरीजों की देखरेख निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं में होती है। इसी कारण से काफी परिवारों को महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। मामूली से लेकर गंभीर सभी तरह के रोगों की दवाइयों को प्राथमिक तौर पर ब्रांडेड दवाइयों के रूप में बेचा जाता है, जिसके दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। दवाओं को देश के हर व्यक्ति की पहुंच में लाना एक बहुआयामी चुनौती है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इस समस्या का समाधान है। जन औषधि भंडार गरीब व्यक्ति को, परिवार मेहनत करके गुजारा करता हो, सोचता हो 5 साल के बाद ये करेंगे, 10 साल के बाद ये करेंगे, कभी सोचता हो साइकिल लाएंगे, कभी सोचता हो बच्चों के लिए कोई अच्छे से कपड़े ले आएंगे, लेकिन परिवार में अगर एक व्यक्ति को बीमारी आ जाए तो गरीब के लिए तो 10 साल का पूरा प्लानिंग गड्ढे में चला जाता है, आर्थिक बोझ बन जाता है, कर्जदार बन जाता है। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। इस पहल का लक्ष्य है कि विभिन्न प्रकार की बेहतरीन गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं को सस्ती कीमत पर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों तक पहुंचाना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े ऐसे लोगों को आगे लाना है जो व्यापार और समाज कल्याण के बीच संतुलन बनाकर काम कर सकें। आप भी अपना जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। अब तक 3000 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों पर 600 से अधिक औषधियां और 150 प्रकार के अन्य उत्पाद, बाजार के मुकाबले ये दवाएं कम से कम आधी कीमत पर एवं कुछ दवाएं 80-90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। इन केंद्रों पर भरपूर स्टॉक की स्थिति बनाए रखना एवं दवाओं की बेहतरीन गुणवत्ता सुनिश्चित करना ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया की प्राथमिकता है। उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों को WHO GMP सर्टिफाइड एवं NABL के द्वारा प्रमाणित लैब में टेस्टेड दवाइयों को कंपनियों से खरीदा जाता है। वी आर प्रोक्योरिंग मेडिसिन फ्रॉम WHO GMP मैन्युफैक्चरर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग प्रोसेस सो दैट वी गेट द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के आकार और विशाल स्वरूप को देखते हुए अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने हेतु वर्कशॉप एवं सेमिनार आयोजित करना, अखबारों में विज्ञापन देना एवं टीवी चैनल्स पर एड फिल्म्स प्रसारित करने के लिए कई विज्ञापन फिल्मों का निर्माण BPPI के द्वारा किया गया है। जेनेरिक दवाओं एवं PMBJP केंद्र की जानकारी देने के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की भी शुरुआत की गई है जो दिन रात कार्यरत है। भारत सरकार के एक सर्वे के मुताबिक देश के 90% वरिष्ठ नागरिक दिन में कम से कम एक दवा लेते हैं और 60% लोग दो दवाएं लेते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के कारण इस वर्ग पर दवाओं के खर्च का बोझ काफी कम हो जाएगा। देश के 3000 जन औषधि केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है एवं लोगों ने इन दवाओं को हाथों हाथ लिया है। लोगों ने अपने अनुभवों को हमसे साझा किया। मैं जब 5 साल की थी तब मुझे ब्लड कैंसर हुआ था। मेरे टाइम पे दवाइयाँ, जब मुझे कीमोज लग रहे थे तो एक कीमो उस टाइम पे 6,000-7,000 का आता था। एक स्थिति ऐसी आई, हम लोगों के पास पैसा नहीं था। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का शुभारंभ हुआ है तो इस विधि से हमारे जैसे परिवारों को 90% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे लोगों को विशेष लाभ होगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ।